At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. भारत 13 मई को एटमी धमाके कर चुका था और बड़े गरूर में था और पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो मुझे वॉकी टॉकी पे मैसेज मिला कि आप फॉरेन एयरपोर्ट पहुंचे। एक प्लेन हाईजैक हो गया। ये इन्होंने बड़ा अच्छा प्लान किया था अपनी तरफ से, हाईजैकर्स को ये कह के लैंड किया कि हम इंडिया के गुजरात के भुज एयरपोर्ट पे हम लैंड कर रहे हैं। आखिरी चीज क्या होगी मेरे साथ कि मर जाएंगे? इतनी तो कोशिश करो कि किसी तरह लैंड कर जाओ मेरे मिनट पे। पायलट की कॉल आई, उसने कहा PK-554 फॉर बोश टावर। ये जी हमारा जहाज हाईजैक हो गया है और हमें इंडिया जाना है, मगर मेरे पास इतना तेल नहीं है, तो मुझे तुम इंडिया में लैंड करने दो भोज में। रात के अंधेरे में मैंने लैंड किया हैदराबाद। अब आगे करना क्या है? पाकिस्तान हुकूमत पर प्रेशर डालना था कि जी आप एटॉमिक ब्लास्ट नहीं करें, क्योंकि ये तो इनके इरादे तो बड़े खतरनाक है। मैं बताया घास का दरवाजा खुला है। मैंने वॉकी टॉकी पे कॉल की कि गोपी आप आ जाएं खाना लंच बॉक्सेस लेके। इसी तरह सोहेल अकबर शाह भी आ गए। अब ये कहीं से खाना लेके आए, उसमें लिखा हो फुलैली हैदराबाद, फिर क्या होगा? कहानी खत्म। सुबह हुई और उनको सारा जरा सा भी ये प्लान उनको पता चल गया या हमारा भांडा फूट गया, तो हमारी तो बिल्कुल निहत्ते थे और उनके रहमो करम पे होंगे, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। पैसेंजरों को तो बाद में मारेंगे, पहले तो हमें मारेंगे। मतलब फैसला लेने का टाइम आ गया था वहां पे। जैसे एक थ्रिल भी होती है और एक सनसनाहट भी होती है कि एक रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। इनके हाथों मरने से बेहतर है कि हम कुछ करके ही मरे। और हमें फैसला हो गया था कि मर जाना है, क्योंकि वजह ये थी कि हम गन पॉइंट पे थे ना, तो हमारे पास असला था ही नहीं।